वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाली घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। दुनिया भर के स्मार्टफोन में नोकिया कंपनी की स्मार्टफोन की अगर बात करें तो सबसे अलग, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ अच्छे कैमरा क्वालिटी भी हमको एज ऑलवेज इन्होंने प्रोवाइड करते ही आ रहे। पर इनकी हाई कीमत की वजह से, यानी कि प्राइस ज्यादा होने की वजह से इनकी सेलिंग बहुत ही डाउन चलती है। पर सारे स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करें, नोकिया की स्मार्टफोन लिटरली सबसे अच्छे परफॉर्मेंस लाकर पहले देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आता है, अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक कर हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। कभी कभार आपने नोकिया के स्मार्टफोन्स यूज किए भी है या फिर नहीं, स्पेशली कीपैड टच वाले स्मार्टफोन्स यूज किए हो या फिर नहीं, चैट सेक्शन में बिल्कुल बताना ना भूलिए। आमतौर पर आजकल सबसे ज्यादा सेलिंग वाला स्मार्टफोन स्पेशली हिंदुस्तान की अगर बात करें तो रेडमी, रियलमी, सैमसंग जैसे ब्रांड्स सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सैमसंग भी कम कीमत के अंदर 5G वेरिएंट के स्मार्टफोन्स और अच्छे कैमरा वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। खैर, बोलने के लिए सिर्फ 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल लगा लगा कर कम कीमत के अंदर देते हैं, पर रियलिटी आप चेक करोगे तो कुछ अलग ही जुमला चला हुआ रहता है। खैर, वो तो अलग से टॉपिक हो जाएगी, उसके बारे में और एक बात जरूर बात करेंगे। पर मेन मुद्दे की बात करें, नोकिया एक दासु परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन वो भी मिड रेंज में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में स्पेसिफिकेशन और लीक्स कुछ ऐसे हटकर आ रहे हैं कि आप सुनते ही बोलोगे कि वाह, क्या गजब का होने वाला है स्मार्टफोन। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है जिसको आप लोग जानना बेहद जरूरी है। ये स्मार्टफोन एक फ्लाइंग ड्रोन जैसा स्मार्टफोन हो जाएगा। अगर आप कहीं पे भी चलोगे तो ये स्मार्टफोन को हाथ में कैरी करना नहीं बनता है। मेन हम लोगों को सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कैमरा क्वालिटी देना चाहिए। जैसे कि हम लोग भारतवासी है, हमको ज्यादा कैमरा क्वालिटी ही पसंद आता है। नोकिया के स्मार्टफोन में पहली बार 108 मेगापिक्सल की क्वाइट कैमरा सेटअप वो भी मिड रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। वो भी कार्ल जेसेप्स की तरफ से एक ऑप्टिमाइज्ड सेंसर होगा, यानी कि कैमरा के मामले में ना नोकिया की ये जो स्मार्टफोन अलग ही लेवल का धमाल मचाने वाला है। अगर कैमरा की बात कर ही चुके तो फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर ही लेते हैं। 48 मेगापिक्सल की दुनिया की पहली 48 मेगापिक्सल सेंसर वाला सेल्फी स्नैपर मिल सकता है, जो कि देना चाहिए, अब तक किसी स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। बैटरी परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी बात इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है, क्योंकि 5000 mAh बड़ी बैटरी परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पर पहली बार दे रहे, जो मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। और इसको चार्ज करने के लिए 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट मिलने वाली है। बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय होता है, चैट सेक्शन में बता सकते हो। बैटरी तो बढ़िया दिया ही जा रहा है, और वेरियंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन मेनली दो वेरियंट के साथ आ सकता है, 6GB रैम, 8GB रैम, दोनों में भी सिंगल वेरियंट मिल जाएगा 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और हाँ, एक्सपांड करने की सुविधा दी जाने वाली है अप टू 512GB तक। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट और इंटरनल स्टोरेज के बारे में तो स्मार्टफोन बढ़िया है ही, और गेमिंग के लिए ना ये स्मार्टफोन एक नंबर का हाथ निभाने ही वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 700 सीरीज वाला एक नया 5G प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा, जैसे कि ऑब्वियसली स्मार्टफोन 5G ही होगा। कहा जा रहा है मिड रेंज में आने वाला अब तक का सबसे धासु प्रोसेसर ये होगा, और पहली बार नोकिया के स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है, जो खास तौर पर गेमिंग ना जबरदस्त होने वाली है। प्रोसेसर के बारे में आपको क्या लगता है, चैट सेक्शन में बताना ना भूलिए। टाइप सी पोर्ट, ड्यूअल LED फ्लैश और जो भी सेंसर स्मार्टफोन में होनी चाहिए सब कुछ तो स्मार्टफोन में मिल ही जाएगा। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है स्मार्टफोन के बारे में और नोकिया के बारे में, चैट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली बता सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक जस्टिन टेक को सब्सक्राइब नहीं किए होगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे नोकिया के बारे में कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आता है तो सबसे पहले आपके सामने लेकर आने की कोशिश हमारे तरफ से जारी रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।